जैन साथियों, मैं फजल अहमद। लोगो डिज़ाइन करना है, कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट में आप सीख जाएंगे कि किस तरह से लोगो डिज़ाइन किया जाता है कैनवा में। अगर आप फोटोशॉप में करना चाहते हैं तो आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, लेकिन कैनवा एक फ्री टूल है और यहाँ पे आप इजीली प्री टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसके सहारे आप जो है अपने कंपनी के लिए या अपने ब्लॉग के लिए, यूट्यूब के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए इसमें, आपको किस तरह से चाहिए, आपका बैकग्राउंड किस तरह होना चाहिए, आपके लोगों में क्या है, मतलब आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, आपको फील्ड क्या है, हेल्थ के लिए है या आपका आईटी के लिए है या ब्लॉग के लिए है, तो आप ये सब चीज़ सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टाइम सीखते हैं लोगो कैसे बनाते हैं। सिलेक्ट कर लिया लोगो, ऐसे प्री टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो पसंद है, जो कलर पसंद है, जिस हिसाब से आपको वेबसाइट में कलर यूज़ हुआ है या यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं, तो आप उसे सेलेक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये पसंद है, मैंने ये वाला कर लिया, ब्लैक वाला। अब इसका लोगो ये यूट्यूब की लोगो की तरह लग रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे थोड़ा। कॉन्टेंट लिख दिया मैंने ग्रो डिजिटली, वैसे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको एक लाइन में हम करेंगे। एक लाइन में करना है तो उसको ऐसे खींचेंगे, थोड़ा साइज छोटा करेंगे, थोड़ा लाइन में आ गया ये। अब इसका भी साइज छोटा करके हमने माउस ओवर जब चेंज होगा तो उस समय से आप ट्रैक कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से एरो यूज कर सकते हैं। आप साइड लेफ्ट राइट वाला जो एरो होता है वो यूज कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया मैंने, अभी लेयर में है तो एक लेयर का कलर मैंने चेंज कर लिया। एक और बना लिया मैंने लेयर, कॉपी पेस्ट कर किया है मैंने सिंपल। येलो कलर ले लिया। अब इसका साइज बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके यहाँ पे आप अगर काम करना चाहते हैं तो नीचे से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं मैनुअली, वहां भी ऑप्शन भी है, मैनुअली भी आप कर सकते हैं। कलर चेंज कर दिया, थोड़ा सा चिपका दिया था इधर, अच्छा लगे। इसका भी कलर चेंज कर देंगे, येलो ले लेंगे।
तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो अब करना क्या है, साइज थोड़ा सा लोगो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट थीम पे, बहुत ही अच्छा बन सकता है। थोड़ा सा कोई भी लोगो लिया तो उसमें चेंजेस करने के लिए आप सोचें। नीचे के लेयर भी हिल रहा है क्योंकि नीचे टेम्पलेट हो, नीचे कलर नहीं है। अगर हम कम नीचे कलर लेते हैं ना, सबसे जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो एक टैंपलेट, इसलिए वो मूव हो। अगर उसको हम ब्लैक कलर ले लेंगे तो नहीं, वो मूव नहीं होगा। पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने और उसका कलर थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया ताकि वो दिखे, तो ज्यादा छोटा रहेगा ना तो जब आप चैनल पे लगाएंगे तो वो दिखेगा ही। अब ये कंप्लीट हो गया है, डाउनलोड कर देते हैं। बस ये इंस्टेंट बना है, मैंने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी पहले। पहले किसी दूसरी तरह का ये था। अभी आप देख भी लेंगे चैनल पे, मैं जब अपलोड करूंगा इसे, तो ये पहले दूसरे तरीके से तो था। अभी जब बनाया और मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये वाला मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत ही मेहरबानी होगी। थैंक यू।